नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पास रहने वाले एक बीएससी फाइनल के छात्र की जहर खाने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की मौत पर मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। बताया गया है कि मृतक दीपक जाटव ने 3 दिन पहले जहर खा लिया था, जिसके बाद उसे जीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां 3 दिन तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता का कहना है कि उसने अपने पड़ोस में रहने वाले लाला जाटव को 1 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसके बाद 4 महीने पहले उसे 50,000 रुपये लौटा दिए गए थे और बाकी के बचे 50,000 रुपये लेने जब दीपक उनके पास पहुँचा था तो उसके साथ मारपीट की गई थी और मारपीट से आहत होकर दीपक ने जहर खाया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। ये इसने श्रीलाल ने हमसे मेरे भैया से 50,000 रुपये मांगे थे, तो इसने 50,000 रुपये अपने पाँव से लेके इसको दे दिए। तो इसने 11 तारीख का वादा था तो लड़के को से बोले आया जब मैं गाड़ी पजा रहा हूँ तुम इससे पैसा ले लेना। तो इस घर गया होगा, गाली के लिए दे दूंगे और तुझे भग आया घर पर। तो जिनके बाप को बुला के इनने घर में से खचोर के लड़के को अपने अंदर ले गए अपने अपने मकान में, उसको बहुत ज़्यादा मारा, उसका गला कटाया, जो पसली इसलिए टूट डा रही। तो हमने उससे वहाँ से कॉलोनी से हटा के लड़के को दमाद के जहाँ भर्ती कर दिया था कि दमाद के जहाँ तू रहे तो वहाँ अच्छा रह रहा था। एक दिन आज बाजार गया कि चाचा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो जो कॉलेज से लौटा इन लड़कों ने इसको गोलपाड़िया पर घेर लिया, बोला तुम भगा नहीं है जैसे नहीं तेरे को मार के फेंक देंगे हम। सो मोड़ा डरने के बाद इसने जहर खा के इसकी मौत हो गई। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके के डबरा हाईवे पर बाइक और ट्रक की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मुरार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटनास्थल से आरोपी ट्रक चालक भी फरार हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस जानकारी के अनुसार मुरार के सिहौली इलाके में रहने वाला रामू शर्मा और उसका छोटा भाई श्यामू शर्मा मालनपुर स्थित एक फैक्ट्री में काम करते हैं और देर रात ये लोग अपनी ड्यूटी कर बाइक से वापस लौट रहे थे, तभी महाराजपुरा थाना इलाके में तेज गति से आते एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें रामू की मौत हो गई एवं श्यामू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मुरार स्थित चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ये घटना इस तरीके से हुआ कि मालनपुर सूर्या फैक्ट्री में नौकरी करते थे, दोनों जुड़वा भाई थे, रामू शर्मा बड़े का नाम था, छोटे का नाम श्यामू शर्मा था। ये उधर से आ रहे थे नाइट ड्यूटी करके सुबह, तो उधर से जब बाइक से आए तो पीछे से डंपर ने टक्कर दी और तेज़ रफ्तार से डंपर था, तो रामू की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और श्यामू को घायल था उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये डबरा हाईवे का है, ये दोनों भाई मालनपुर से काम करके आ रहे थे घर पे, तो पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी है लोग, तो रामू ख़त्म हो गया है और श्यामू घायल है, मुरार अस्पताल में भर्ती कर दिया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक कारोबारी को स्मैक बेचते हुए दबोचा है। आरोपी शिवम शर्मा भिंड जिले का रहने वाला है और यहां पाम रेसिडेंसी के पास रजिस्ट्रार ऑफिस रोड पर स्मैक की डिलीवरी देने आया हुआ था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच कर हिरासत में ले लिया। आरोपी से पकड़ी गई स्मैक की कीमत 20 लाख रुपए के आसपास है। यहां यह भी बता दें कि क्राइम ब्रांच द्वारा विगत जनवरी महीने से अप्रैल महीने तक स्मैक कारोबार से जुड़े करीबन 9 आरोपियों को दबोच कर उनके कब्जे से 1,88,00,000 की स्मैक बरामद की गई है। पकड़ा गया है और स्मैक पकड़ने के क्रम में हमारी जो टीम, हमारे एडिशन एसपी पंकज पांडे और उनकी क्राइम ब्रांच लगी हुई है, काफ़ी अच्छा काम लोग कर रहे हैं और नशे गिरफ्त युवाओं को मुक्ति दिलाने का। इस संदर्भ में आज लगभग 20 लाख की स्मैक पकड़ी गई। इसका जो नेटवर्क अभी तक की प्राथमिक जानकारी में समझ में आया है पूछताछ में, वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा होना बताता है। अभी इसका पीआर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी, जिससे कि बाकी भी खुलासे हो सके। निश्चित रूप से मीडिया का धन्यवाद कि मीडिया ने हमारा हेल्पलाइन नंबर को प्रसारित किया, लोगों तक पहुँचाया, लोगों में विश्वास जगाया। आज उसी की वजह से हम लोग इतनी बड़ी कार्रवाई इसमें की कर पा रहे हैं। लोगों को धन्यवाद और सहयोग की अपेक्षा भी है, अपील भी है।
हेल्पलाइन नंबर पर अधिकतम जानकारी दें, उनका नाम और नंबर गोपनीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेला ग्राउंड पर होने वाली सभा के लिए भाजपाई घर घर पीले चावल और चिट्ठी बांटेंगे। सभा के लिए पीएमओ से फिलहाल एक घंटे का ही समय मिला है। इसमें से 40 मिनट वह मंच पर रहेंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए 15,000 लोगों को वाटर प्रूफ डॉम पंडाल में बैठने की व्यवस्था की है। लगभग 10,000 लोगों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। पीएम मोदी की सभा को लेकर प्रदेश लोकसभा प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह, विजय दुबे, अभय चौधरी, जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा, रामेश्वर भदौरिया व अन्य नेताओं ने दर्पण कॉलोनी स्थित शक्ति बिहार में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में बताया गया कि पीएम मोदी की सभा में ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के अलावा भिंड व मुरैना संसदीय क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे। सभा के लिए भाजपा कार्यकर्ता सभा से एक दिन पहले घर घर जाकर पीले चावल और आमंत्रण पत्र बांटेंगे। देखिए, आज देवेश जी के नेतृत्व में महानगर में 928 बूथों की बैठक आज दिनभर में करना है, तीन चरणों में निर्धारित किए हैं। उसी के तहत मैं आज इस चार बूथ की बैठक में मैं आया था और ये इस वार्ड में मैं बैठक करके अब जा रहा हूँ। ये बैठक महत्वपूर्ण है और पीले चावल से माननीय मोदी जी की रैली है, तो पीले चावल से हम लोग आमंत्रित भी लोगों को किए कि माननीय मोदी जी की 5 तारीख की जो रैली है, एक विशाल रैली, रामलीला ग्राउंड में लोग पहुँचें और रैली में पहुँच कर लोगों को इसने आशीर्वाद दें और पुनः देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने, जिसके कारण गरीबों का कल्याण कर सकें, किसान गांव गरीब किसान का कल्याण हो सके और सभी खुशहाल के मार्ग पर आगे लोग पढ़ें और पूरी दुनिया से आतंकवाद समाप्त हो। और इसी कारण मोदी जी को लोगों ने संकल्प लिया, व्रत यहाँ लिया कि माननीय मोदी जी को पुनः हमें प्रधानमंत्री बनाना है। और प्रातःकाल 12 तारीख को इस चुनाव, जो 12 मई को चुनाव होने वाला है ग्वालियर संभाग में और चंबल संभाग में, तो 9:30 पर सुबह पोलिंग भी हम लोगों को करना है 100%, पहले मतदान उसके बाद जलपान। ग्वालियर के कैंसर पहाड़ी स्थित कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान का 48वां स्थापना दिवस बुधवार को कैंपस के शीतला सहाय सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर LNIPE के कुलपति दिलीप कुमार डोरेहा एवं संस्था न्यासी एवं वरिष्ठ कैंसर चिकित्सक डॉक्टर BR श्रीवास्तव ने स्वर्गीय शीतला सहाय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही देश भर से आए वरिष्ठ चिकित्सकों ने यहां कैंसर से निदान एवं कैंसर की रोकथाम को लेकर अपने अपने विचार प्रकट किए। इस भव्य रूप प्रदान करने में मदद की है। सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूंगा स्वर्गीय श्री राजीव सहाय जी का। राजीव सहाय जी को बोन कैंसर हुआ, बोन कैंसर से पीड़ित होने के कारण उनको स्वर्गीय श्री शीतला सहाय जी जन विकास न्यास का आज 48वां स्थापना दिवस है। इसी दिन जन विकास न्यास की ट्रस्ट की शुरुआत हुई थी। परम सद्दे स्वर्गीय श्री शीतला सहाय जी ने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से, जो कि कैंसर के कारण हुई, उससे दुखी होकर इस न्यास की स्थापना की। मुख्य उद्देश्य था कि कैंसर का एक ऐसा संस्थान यहाँ स्थापित किया जाए जहाँ की गरीब से गरीब मरीज भी अच्छे से अच्छा इलाज ले सके। वे अपने इस प्रयत्न में सफल हुए। कैंसर चिकित्सालय सोन संस्थान को भारत सरकार के द्वारा रीजनल कैंसर सेंटर का दर्जा दिया गया एवं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मान्य किया गया और यह संस्थान आज कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए सर्व सुविधा युक्त संस्थान है। यहाँ पर एक मशीन की कमी थी जो कि लीनर एक्सलेटर। उसके लिए लोगों को दिल्ली, बॉम्बे, बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब लीनर एक्सलेटर की मशीन उपलब्ध है, 3D सिमुलेटर उपलब्ध है और भी बहुत सारी आधुनिक मशीनें, फ्रोजन सेक्शन, उससे 15 मिनट के अंदर हम मालूम कर लेते हैं कि इस मरीज को कैंसर है कि नहीं है। इस तरह की बहुत सारी आधुनिक मशीनें यहाँ स्थापित हो चुकी हैं। एक बार मैं और कहना चाहूँगा कि श्रद्धेय श्रीमती कमला सहाय जी का जब स्वास्थ्य खराब था तो उनको ICU में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से उनको भी बचाया नहीं जा सका और उस वक्त सीता सहाय जी ने एक प्रण लिया
कि मैं इस परिसर में ग्वालियर की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ करूं, जिससे कि यहीं पर वह सुविधा मरीजों को इलाज की उपलब्ध हो सके जो कि दिल्ली और बॉम्बे में उपलब्ध है। और वह संस्थान सिम्स शीतला साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर नीरज शर्मा जी की डायरेक्टरशिप में चल रहा है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है सिमुलेटर, एक ये भी कैंसर के सिकाई की मशीन होती है। और ग्वालियर में जो एक बहुत बड़ी कमी है वह है पेट सीटी स्कैन की। पेट सीटी नहीं है, उसके लिए लोगों को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता है। तो वह मशीन भी हम इस संस्थान में स्थापित करने जा रहे हैं, और पेट सीटी की जब ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तो लोगों को इस जांच के लिए दिल्ली और बॉम्बे में 25,000-30,000 रुपये खर्च करने करके वो जांच कराने जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस हॉस्पिटल में अब लीनियर एक्सेलेटर की जो कमी थी पूरी हो चुकी है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत दोनों हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं। सिम्स हॉस्पिटल में जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट भी शुरू किया जाएगा, तो ऐसे सुपर स्पेशलिटी केयर में आम जनता आयुष्मान योजना के तहत लाभ उठाए और इस हॉस्पिटल का जो स्वरूप बनता जा रहा है आगे आने वाले समय में हम विश्व स्तरीय सुविधा ग्वालियर में प्रदान कर सकेंगे। हाईकोर्ट की एकल पीठ से अशोकनगर के कांग्रेस विधायक जयपाल सिंह जज्जी को बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने एमपी हाई लेवल कास्ट सिक्योरिटी कमेटी के उस फैसले को निरस्त कर दिया है जिसके तहत जयपाल सिंह का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाई लेवल कमेटी मामले की फिर से सुनवाई करे और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा मौका दे, साथ ही जांच के लिए 10 बिंदु भी निर्धारित कर दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से जयपाल सिंह की विधायकी बच गई है। जजपाल सिंह जज्जी के नट कास्ट का जो जाति प्रमाण पत्र था उसको हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी द्वारा 16 सितंबर 2013 को निरस्त कर दिया गया था। तो हमने कई मुद्दों पर हाई पावर स्क्रूटनी कमेटी के ऑर्डर को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चैलेंज किया, और बहस के दौरान 25 अप्रैल को बहस हुई उसमें, तो माननीय उच्च न्यायालय ने हाई पावर कमेटी का जो निरस्त आदेश निरस्त किया था कास्ट सर्टिफिकेट को, उसको निरस्त करते हुए मैटर रिमांड कर दिया है कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष, और 10 बिंदु निर्धारित कर दिए हैं कि इन बिंदुओं पर भी आपको जांच करनी है। जब तक जांच पेंडिंग रहती है तब तक उसको जजपाल सिंह द्वारा भविष्य में उपयोग में नहीं किया जाएगा, वो कैप्ट एंड एवियंस में कमेटी के समक्ष रहेगा। नहीं, इस पर चुनाव या विधायकी पर अभी फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ना तो सर्टिफिकेट को विथहेल्ड किया है और ना ही इसको कैंसिल किया है। कैप्ट एंड एवियंस में रहेगा कि अगर जो एलिगेशन पिटिशनर के खिलाफ हैं वो सही है कि गलत है। अगर वो जो एलिगेशंस हैं 10 बिंदु अगर वो गलत पाए जाते हैं तो वो सर्वाइव करेगा सर्टिफिकेट, और फिलहाल अभी विधायकी पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। ग्वालियर की कंपू थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को चोरी के वाहनों के साथ दबोचा है। आरोपी जेएच कैंपस में चोरी की गाड़ी लेकर यहां किसी अन्य वाहन को पार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों ब्रजेश नीरज रवि विजय को जेएच कैंपस से दबोच लिया है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके कब्जे से 4 गाड़ियाँ बरामद हो गई हैं एवं 15 से 16 गाड़ियों की चोरी करना इन्होंने कबूला है, जिस पर पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस के अनुसार चोर गाड़ी मिस्त्री के पास रखते हैं और गाड़ियों को डायरेक्ट ना बेचकर उनके पार्ट्स बाजार में सप्लाई करते थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के 4-5 जेएच कैंपस में चोरी की मोटा के लिए खड़े हैं, हो सकता है कि और गाड़ी चोरी करने आए हों। तो सूचना की तस्दीक हेतु यहाँ से फोर्स के साथ जब मैं पहुँचा जेएच कैंपस में तो हम मुखर ने बताया था कमला राय तरफ चले गए हैं। तो कमला राय कैंपस में आया तो देखा 4-5 लड़के खड़े हुए थे, इनके पास आकर रोका। जब इनसे नाम पते पूछे तो बताया नहीं कुछ, जब थोड़ा पूछ सकती हूँ सही से बताओ क्या बात है, तो इनके नाम पते पूछे तो इन्होंने अपने नाम, एक ने ब्रजेश जाटव, एक ने नीरज साग रवि जाटव और किशन विजय जाटव बताए। इनके पास जो गाड़ियाँ थीं उन गाड़ियों में जो कागज़ पूछे तो इनके पास कोई कागज़ नहीं थे।
जब कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए तो इनको वहाँ पे मौके पे चोरी के उसमें गाड़ियों में जब्त किया। इनसे चार गाड़ी जब्त की गई हैं, चारों से एक एक, और पूछताछ जब इनसे की गई यहाँ पे तो इन्हें काफ़ी गाड़ियाँ बताई हैं, जिसमें से तीन लोगों को तो हमने GR पे भेज दिया है, एक का PR लिया है। इसने भी एक दो गाड़ी और बताई हैं जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जा रहे हैं इसको लेके। और इनका मर्डर सस्पेक्ट किया, तीन लोग जो इसमें हैं, विजय और रवि और ब्रजेश, ये तीनों क्या है, मिस्त्री हैं। तो इनकी तरीका ये है कि यहाँ से गाड़ी उठाई और गए, और ये डायरेक्ट बेचते नहीं है गाड़ियों को, क्योंकि डायरेक्ट गाड़ी बेचने में इनका ये कहने से पकड़ने का डर रहता है। तो इसलिए गाड़ी का कहीं इंजन किसी गाड़ी में डाल दिया, टायर किसी गाड़ी में डाल दिया, उसका व्हील किसी गाड़ी में डाल दिया, टंकी किसी में डाल दी, इस तरह करके उसको डिसमेंटल करते ताकि कल को प्रूफ के तौर पर कुछ रुपये जब्त ना हो पाए। चार हम जब्त कर चुके हैं, अभी एक दो की संभावना हो रहे हैं, और चोरी तो इनने करीबन 15-20 बताई हैं, लेकिन अब वो 15-20 क्या डिसमेंटल हो चुकी हैं, तो वो तो मिलना संभव नहीं, लेकिन फिर भी उनसे पूछताछ चल रही है कहाँ किसको डाली है, अगर ऐसे कुछ है तो उसकी भी जानकारी ली जा रही है। नहीं, कुछ कंपू क्षेत्र की भी हैं, जैसे जो मुरैना भी वारदात करते हैं, ठाटीपुर से भी करी हैं, इंद्रगंज से भी करी हैं, और राजस्थान में भी करते हैं, अलग अलग वारदात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्वालियर आगमन से पूर्व SPG का सुरक्षा दस्ता ग्वालियर पहुंच गया है, और गुरुवार को SPG के अधिकारियों ने कलेक्टर अनुराग चौधरी और SP नवनीत भसीन के साथ SP ऑफिस में बैठक कर PM के आगमन के दौरान जरूरी सुरक्षा तैयारियों का लेकर बैठक की। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने जहाँ SPG अधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी दी, तो वहीं SP नवनीत भसीन ने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस द्वारा शहर में किए गए इंतजाम बताए, जिससे कि PM के कार्यक्रम के समय किसी तरह की अव्यवस्था नहीं फैल सके। आयोजकों से चर्चा की गई, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्लान भी तैयार हो चुका है और काफ़ी संख्या में फोर्स लगाया जा रहा है। विभिन्न अधिकारी हमको अन्य जिलों से मिले हैं और इस संदर्भ में आज शाम को भी भ्रमण प्रस्तावित है और लगातार हम लोग इस संदर्भ में तैयारियां कर रहे हैं। सर, उस समय शादियों के समय तो कुछ रोडों को बंद करना है या किसी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को लेके हम लोग लगातार इस प्रकार का प्लान कर रहे हैं कि किसी भी नागरिक को कोई असुविधा ना हो और VVIP विजिट भी अच्छे से निपट जाए। इसके लिए लगातार हमारे लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि इस प्रकार के रूट डाइवर्जन किया जाए, किसी को कोई समस्या ना उत्पन्न हो। सर, उस पर हमारी टीमें पिछले 3 दिन से लगातार काम कर रही हैं, विभिन्न समय पर विभिन्न स्थान पर जाकर चेकिंग कर रही हैं, होटल, लॉज, ढाबा, स्टेशन, और लगातार हमारे टीमें सिविल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में लगी हुई हैं, इस पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्वालियर आगमन से पूर्व SPG का सुरक्षा दस्ता ग्वालियर पहुंच गया है, और गुरुवार को SPG के अधिकारियों ने कलेक्टर अनुराग चौधरी और SP नवनीत भसीन के साथ SP ऑफिस में बैठक कर PM के आगमन के दौरान जरूरी सुरक्षा तैयारियों का लेकर बैठक की। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने जहां SPG अधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी दी, तो वहीं SP नवनीत भसीन ने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस द्वारा शहर में किए गए इंतजाम बताए, जिससे कि PM के कार्यक्रम के समय किसी तरह की अव्यवस्था नहीं फैल सके। आज जो सिक्योरिटी ASL जो बैठक रहती है, जो SPG के लिए मैंडेटरी रहता है, कोई भी SPG प्रोटेक्टरी आता है तो संबंध में ASL बैठक थी। इसमें जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनके देयक बनाने में लेट हो रहा था, रिटायर्ड कर्मचारियों से कई प्रकार के मांगों की शिकायत भी आ रही थी, और तीसरा जो जिस पद के लायक जो व्यक्ति नहीं तो उस पद पर बैठा हुआ था, 3-4 शिकायतें थी, उनको डिटेल्ड आरोप पत्र जारी किया जाएगा। उसमें वाटर लेवल वाला आप जैसे जानकारी दे रहे हैं, वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। दूसरा, वहाँ पे जो हमने वेस्ट वाटर का सैम्पलिंग के लिए भी बोला था, लेबर वाले इश्यूज़ भी आए थे, और वो जो ज़मीन है वो प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मिलने वाली ज़मीन पे पट्टे पे बना हुआ है, तो उस संबंध में भी उनसे दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं। चूँकि अभी 3 दिन पहले किया था, अभी इसमें इस संबंध में उनसे जो रिप्लाई प्राप्त किया जाएगा और उसके बाद उनके विरुद्ध में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गाँव में समग्र शिक्षण अभियान के लिए कार्यरत संस्था वन बंधु परिषद द्वारा ग्वालियर में आगामी 5 मई को गालब सभागार परिसर में संस्था सदस्यों, दानदाताओं और विशिष्ट अतिथियों के लिए एक सांस्कृतिक व शैक्षणिक आयोजन पंख होते तो उड़ जाती रे आयोजित किया जा रहा है। संस्था अध्यक्ष RP अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारियों ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया कि वन बंधु परिषद पूरे देश के सुदूर आदिवासी एवं ग्रामीण अंचल में यह अभियान चला रही है। इस अभियान में एकल विद्यालयों में एक शिक्षक द्वारा एक ग्राम के
30 बच्चों को प्राथमिक शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी दी जाती। प्रचार प्रसार के माध्यम से जरूरी है, क्यों हमारा एक जो काम है वो पूरी तरह से सोशल काम है। हम इस सोशल काम के करने के लिए समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, पुराने मेंबर्स हैं उनको रिटेन करना चाहते हैं, नए मेंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं और डोनर्स को जो स्कूल चलाने के लिए जो खर्चा है उस डोनर्स को इनवाइट करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। जो 5 तारीख को हम प्रोग्राम ये निखालिस एंटरटेनमेंट का और शैक्षणिक संबंधित प्रोग्राम होता है, इसमें कोई डाइस नहीं होता, कोई VIP नहीं होता, सीधा निखालिस जो है ना सांस्कृतिक और प्रोग्राम रहता है। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान परिसर में बनी चिड़ियाघर वाले बाबा की दरगाह पर हर साल की तरह इस साल भी गुरुवार को चिड़ियाघर प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों और बाबा के भक्तों द्वारा चादर पोसी कर यहां वन्य प्राणी उद्यान में रह रहे जानवरों के लिए स्वास्थ्य एवं बेहतरी की दुआ मांगी। इस दौरान बाबा के भक्तों द्वारा चिड़ियाघर घूमने पहुंचे सैलानियों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। ये बाबा की चादर पोशी हर वर्ष चिड़ियाघर के कर्मचारी और नगर निगम के कर्मचारी और उसके अलावा गुरुवार को यहाँ बहुत सारे बाबा के भक्त आते हैं शहर भर से, वो सभी लोग मिलके वर्ष में एक बार करते हैं आज के दिन, और इसके बाद थोड़ा सा भंडारा भी होता है। चिड़ियाघर के बारे में, इस बाबा जी की दरगाह के बारे में ये मान्यता है कि ये वर्षों से यहाँ चिड़ियाघर में इनकी जो है मान्यता है कि जानवरों का सबका स्वास्थ्य सही रहे, जानवरों के रख रखाव में इनका आशीर्वाद लोगों को मिलता है। कभी कोई जानवर बीमार पड़ता है तो प्रार्थना करने सब लोग बाबा जी के पास जाते हैं कि भाई बाबा जी इन्हें स्वस्थ करें, और एक तरीके से चिड़ियाघर परिवार के ही सदस्य हैं, उस नाते उनका बढ़िया तरीके सब लोग सम्मानपूर्वक हर वर्ष उर्ष मनाते हैं। आज भी जो है छोटा सा आयोजन है। स्वदेशी अपनाएं देश बचाए, आयुर्वेद अपनाएं और निरोगी जीवन पाएं, इस स्लोगन के साथ IMC इंस्पायरिंग वर्ल्ड ने मुस्कान ग्रुप ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिंसी रोड नंबर 1 पर स्टार्टअप प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें IMC के चेयरमैन अजय मंडल एवं मुन्ना सिंह स्टार एसोसिएट से यहां ट्रेनिंग देने पहुंचे। इस दौरान मुस्कान ग्रुप ऑफ टेक्निकल के सेंटर हेड सनी सर ने बताया कि किस तरह हम कुछ साल इसमें काम करके एक लंबे समय के लिए अपने बिजनेस को कायम रख सकते हैं और हजारों रुपए प्रतिमा कमा सकते हैं। और मेरे सीनियर पंकज श्रीवास्तव जी, जिनकी आउटलेट है 3 टेलीफोर सुरेश नगर, उन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया था, उनके लिए भी प्लीज। बाकी मुझे अभी 2 महीने हुए ओनली, है ना, तो मैं तो अपनी मम्मी को देखते हुए इसमें ज्वाइन हुआ था, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत एकदम अचानक खराब हुई थी, उनको रिलीफ मिला, पंकज सर ने मुझे ज्वाइन करवाया, और उसको देखते हुए ये पहला मेरा सेमिनार है ग्वालियर में। तो सबसे पहले आपसे यही चाहूँगा कि आप पहली बार नहीं आए, मेरे को बहुत खुशी मिली। तो सबसे लिए जो क्राउन प्रेसिडेंट है हमारे वेद प्रकाश कोहजा जी, मैं उनको 2 मिनट के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, प्लीज बी हैंड। ये हमारे क्राउन प्रेसिडेंट, मेरे को देखो अपलाइन मेरी बहुत अच्छी मिली है, जो मेरी बहुत अच्छी किस्मत है ना, डाउनलाइन तो अपने हाथ में होती है, क्योंकि ये नहीं है ना, अपलाइन जो है मेरी राज एंड राज, जो कि ग्वालियर के अंदर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नंबर 1 डीडी है, 2000 तालियां, और आउटलेट का तो जवाब ही नहीं है, पंकज श्रीवास्तव सर की है आउटलेट, तो आपको कहीं भी किसी भी सामान की एट ए टाइम ऑनलाइन जैसे भी आपको चाहिए, कृपया हमारे टीवी राज एंड राज एंड घर जाके सामान नहीं बेचना है, पहले यूजर बनिए, उसके बाद खुद यूज कीजिए, फिर दूसरे को उसको एडवाइस दीजिए। मेरा पहला हो सकता है मुझे बोलने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है, मैं अभी 2 महीने के अंदर 25 पर पहुंच जाऊं और नेक्स्ट मंथ कोशिश रहेगी 35, तो मैं चाहता हूं आप लोग भी एक बार
राज एंड राज एंड रॉयल अर्बन से एक बार संपर्क में आए जिससे कि आपको और उन्नति मिले। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।